ये है मेरा रूम और ये मेरा बुक्स, बहुत सारा बुक्स है, बुक्स। और ये किचन, यहाँ पे हम रहता है। ये मेरा सामान पूरा उठा पड़ता 69। और ये मेरा सामान यहाँ पे भी है और मैं टेम्पररी यहाँ पे रह रहा है। ये जो मेरा साइकिल, वो आर्चरी और पूरा स्पोर्ट इक्विपमेंट्स है। और अभी मैं जीरो निकल रहा हूँ, जीरो। और बहुत दिन हो गया, 6 महीना जैसे हो गया हम कभी बाहर टूर ट्रैवल नहीं किया है। अभी फिर जीरो जाएगा, आज जीरो जाके हम जीरो को थोड़ा देखने जाएगा। इतना तो हम जीरो पे वीडियो नहीं बना पाएगा क्योंकि जीरो में मैं, जीरो पूरा बहुत मेरा एक फेमिलियर जगह है। मैं जीरो बहुत बार जा चुका है और वहाँ पढ़ाई भी किया है, इसलिए मैं जीरो का और जीरो रागा ये सब के बारे में मेरा अच्छा नॉलेज है। फिर भी आपको फिर जाकर दिखाते हैं जीरो कैसे है अभी इस समय। हम जीरो पहुंच गए। ये है जीरो का होटल। अभी आज होटल का नाम क्या है? बेलीव्यू। बेलीव्यू होटल। आज हम ये बेलीव्यू होटल, अभी आईडी देना है ना। अभी हम इधर में एंट्री करें। तुम संदीप रूम और टीवी रेडी करिए। संदीप दा रूम और टीवी रेडी। चले जा। सुनी पता न तू यहां पर। ये आईडी दे दे। आधार कार्ड हो जाएगा ना। और एक भाई का मदद से मिला है यहाँ पे, और वाइन शॉप में एक भाई दिखाई दिया है, इसका मदद से यहाँ पहुँचा है। और ये दिल्ली में होटल, होटल ठीक है, हॉस्टल टाइप का है। और होटल ठीक ही है लेकिन गंदा है थोड़ा, इतना स्टैंडर्ड नहीं है। पर आप देख सकते हैं तो मेरा रूम इस तरह है, 22 मन ले जा रहे हैं। और कल मैं जीरो को एक्सप्लोर करके आप लोग को दिखाएगा जीरो किस तरह से देख रहे हैं। और हम इसी होटल में रहेगा क्योंकि रात हो गया, रूम मिलना मुश्किल हो गया। और ये होटल डबल रूम का पर नाइट 1500 है। बोल दीजिए भाई। और ये है रूम, आज रात हम यहाँ पे रहेगा। और अभी मैं जीरो को एक्सप्लोर करने जा रहा है और ये लॉज पे हम रह रहे हैं। ये हॉस्टल टाइप का है, इस तरह है बेड, 3 बेड। और ये कुछ इस तरह है, ये देख सकता है। और बाथरूम इस तरह है, इसी लॉज पे रह रहा है, कल आया है। और अभी मैं जीरो को थोड़ा एक्सप्लोर करने जाएगा, जीरो को देखकर फिर आप लोग को दिखाएगा जीरो का रियल लाइफ व्यू में कैसे है, रियल टाइम व्यू में जीरो कैसे दिखता है। और ये जीरो का सबसे बड़ा टाउन को बोलता है, सब टाउन उसको हापुल ही बोलता है, ओवरऑल सबको ही जीरो बोला जाता है। अब एक्सप्लोर करते हैं बाहर का नज़ारा, कुछ इस तरह है। देखो कई हापोली का नज़ारा, वाह। बहुत सालों के बाद हापोली आया जीरो, बहुत साल हो गया, लगभग 10 साल हो गया मेरा नहीं आया वाला, इसलिए आज देखा है। तो रोड सिस्टम काफ़ी डेवलप हो गया है हापोली जीरो में, आस पास पूरा रेस्टोरेंट है। ये डेली मार्केट है शायद, पार्किंग स्पेस। ये अच्छा पार्किंग स्पेस है, मतलब अभी मार्केट नहीं खुला है, अभी सुबह सुबह के 8:30 है। हमको वापस जाना है ईटानगर, इसलिए हमको वीडियो शॉट कर रहा है। ये दिखा रेस्टोरेंट, अपोली में बहुत सारे रेस्टोरेंट है भाई, इधर भी रेस्टोरेंट, हर एक कदम में
और एक दो स्पूट में रेस्टोरेंट है सब। ये जो देख रहे हैं हापोली का डाउनटाउन, और ये मेन सेंटर है हापोली के, डाउनटाउन है हापोली टाउन का, ये आप देख सकते हैं। वाह, आगे निकल जाते हैं। हापोली का मार्केट, मार्केट का जस्ट एफिशिएंट है ये, आप देख सकते हैं। ये भी अंदर भी इस तरह है कुछ, ये ब्यूटी सलून इस साइड भी है। मार्केट बहुत बड़ा है हापोली का। ये आप देख सकते हो, होटल है हापोली में, मेनली आपातानी ट्रैप रहता है। और हापोली जीरो जो आपातानी का एंसेस्टर लैंड ऑफ आपातानी भी माना जाता है, और आप में से सबसे पुराना सिटी में से एक है। अब यहाँ पे देख सकता है है स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड है। हम देख सकते हैं ये जीरो का टैक्सी स्टैंड, टैक्सी कॉल का टैक्सी स्टैंड है जीरो का, हापोली टेम्पो स्टैंड। और हापोली में ऑटो और टेम्पो बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ नया है, इम्प्रूव हुआ है। हमारे कैपिटल में भी ऑटो और टेम्पो हट के इस तरह टैक्सी होना चाहिए, इसमें ऑटो और टेम्पो नहीं है, पूरा इस तरफ का इको कार है, पूरा ऐसे कार होना चाहिए। बाकी स्टेट में भी मिजोरम मेघालय में पूरा ऑटो और टेम्पो को और ट्रेकर जो गंदा देखता है उसको पूरा हटाया गया है, और जीरो में भी इस तरह है, कोई भी ऑटो टेम्पो नहीं है, पूरा इस तरह है, पूरा इस तरह इको कार है। ये टैक्सी स्टैंड है देख सकते हैं। इस तरह का कार रिप्लेस हो गया पूरा हापोली में, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा किया है। बमरीला में ऐसे है, तवांग में भी ऐसे है, और मेओ साइड में साइड ऐसे है, अच्छा काम किया, पूरा रिप्लेस हो गया। ये इसमें नोटिस कुछ इस तरह लिखा है, शेड्यूल कौन कौन जाना है, इस तरह शेड्यूल है, और इस तरह पूरा इको कार इम्प्रूव किया गया है, आप देख सकते हैं। और दूसरा अरुणाचल में भी इस तरह होना चाहिए, जैसे बाहर में मेघालय या जो मिजोरम सिक्किम में पूरा ऑटो और टेम्पो ऐसे पूरा बैन है, इस तरह कार चलता है पूरा। ये बहुत अच्छा इम्प्रूव है, जीरो में सालों के बाद आया है। गर्मी हो गया, सुबह थोड़ा तान था इसलिए ये कपड़ा पहनने के बाद, ये कैसुअल शर्ट लगाने के बाद बहुत गर्मी हो गया। और जीरो में मेनली आपातानी रहता है, और आसपास का
जो नेशी लोग भी रहता है यहाँ पे और टेम्पोररी रहता है और आपातानी लोग का ये परमानेंट है और बाहर का लोग यहाँ पे लैंड परचेस नहीं कर सकते जीरो में अदर देन आपातानी बिकॉज जगह थोड़ा कंजेस्टेड रहते थे एरिया लिमिटेड है वही कारण से यहाँ पे बाहर का लोग को लैंड परचेस करने के लिए अलाउड नहीं है। और यहीं पर हम मेरा वीडियो को ख़त्म कर देगा और फिर मिलते हैं अगला वीडियो में हो सकेगा तो एक नई जगह के साथ। और आप लोग मेरे भी इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप कमेंट करके नीचे में बताइए। थैंक यू।